जय हिंद ट्रेडर्स, चलिए नज़र डालते हैं आज के शेयर बाजार पर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों ने अपनी साड़ी बढ़त गवा दी और इंटरडे के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी 50 आज 26 अंक गिरकर 15,782 पर बंद हुआ। इसके 50 में से 25 शेयर बढ़कर और 25 गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स भी 137 अंक गिरकर 52,794 पर बंद हुआ। इसके 30 में से 16 शेयर बढ़कर और 14 गिरकर बंद हुए। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी 411 अंक गिरकर 33,121 पर बंद हुआ। निफ्टी 100 के बढ़ने वाले शेयर, आज सबसे ज्यादा रिटर्न टाटा मोटर्स ने दिया जो कि लगभग 8.6% का रहा। इंद्रप्रस्थ गैस ने 7.72% का, ग्लैंड फार्मा ने 5.08% का, बंधन बैंक ने 4.37% का, यूनाइटेड स्पिरिट ने 3.9% का। निफ्टी 100 के गिनने वाले शेयर, आज सबसे ज्यादा गिरावट अडानी ग्रीन एनर्जी में देखने को मिली जो कि 10.9% की रही। वेदांता में 6.8% की, हिंडालको में 4.4%, इंडस टावर में 4% की गिरावट रही। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 3.9% की गिरावट रही। अगर आप ट्रेडिंग करके महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप स्टॉक मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर नजर रख सकें। धन्यवाद।